आत्मा विधिज विषयान् दास्य भोगान् सविष्टान् पश्चाच्चरणान् समर्पति विभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेकान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः सराज तीन निकाल और दो भगत आने वाला चार हो गया चार निकाल दो भगत आए अथर्ववेदियों मांडव उपनिषद के आठवां प्रकरण पर विचार करते हुए लगभग समाप्ति में अभी एक ही मंत्र बचा हुआ है। श्रुति वाक्यों के आधार पर जगत पारमार्थिक नहीं है, प्रातिभाषिक है, सत्य जैसे प्रतीति बोधन में संस्कार के कारण। ये चार प्रकरण है, इसमें पहला प्रकरण का नाम है आठवां प्रकरण, दूसरा प्रकरण वैतथ्य प्रकरण, मतलब जिसको आगम वाक्य के द्वारा सिद्ध किया गया जगत की वेदता तो युक्ति के द्वारा भी सिद्ध होता है, केवल श्रुति के आधार पर बोलने से कई बार नहीं मानते हैं परंतु उसके साथ लॉजिक के लिए। तो इस प्रकार से जगत के मिथ्यात्व तो सिद्ध होने पर जगत की अधिष्ठान कुछ है नहीं, शून्यवादी लोग खड़े हो जाते हैं, तब वहाँ पर अद्वैत प्रकरण में एक अधिष्ठान पारमार्थिक सत्य वस्तु है ये सिद्ध कर देते हैं, इसमें अद्वैत वही तथ्य प्रकरण थे। उसके बाद आता है अलात शांति प्रकरण। अलात शांति प्रकरण, अलात शब्द का अर्थ होता है जैसे कोई एक लकड़ी के माथे पे, लकड़ी अथवा तुम्हारा लोहे के डंडे के माथे पे कपड़ा लपेट करके फिर उसके आग लगा करके घुमा, उसको बोलते हैं अलात। उसको जैसा जैसा घुमाते हैं उसको अंदर एक आकृति बन जाते हैं, कभी चार कभी आठ कभी शून्य जैसा भी बनाए, परंतु ना आकृति वहाँ पर है ना उत्पन्न हुआ ना नाश होता है, उसको कुछ देर के लिए प्रकृति मात्र है। इसको समझाने के लिए अनंत शांति प्रकरण आए हैं और उसमें अनंतवादियों की कुछ सिद्धांत है, कोई मत जगत को सत्य मानते हैं, कोई शून्यवाद को मानते हैं, इन सिद्धांतों को संक्षेप मानव दिखाई कर वहाँ प्रतिभा। इस अनंत शांति प्रकरण का बीज जो आज अगला मंत्र आएगा शांति उपनिषद के द्वादश मंत्र है, वही उसका बीज है अनंत शांति प्रकरण। शांतम शिवम अद्वैत, ये जो है मुख्य सिद्धांत है वेदांत। तो कल हम लोग इसके ऊपर पढ़ रहे थे कि जो है मध्यम अधिकारी के लिए ओंकार की तीन मात्रा के साथ हमारे जो तीन पाठ को एकत्र मिला करके विचार करते करते क्या होता है, व्यक्ति धीरे धीरे जागृत अवस्था को सपन में, सपनों को सुसुप्त में लय प्राप्त करते हुए अंतिम में फिर जो है जो बीज अवस्था को भी जला देते हैं। विचार करते करते बीज भी जल जाते हैं, फिर जब उत्थान होते हैं फिर जगत की प्रतीति होने पर भी सत्य तो संसारित तो नष्ट हो जाता है, जगत की प्रतीति संसारित तो नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा था, नामात्रे विद्यते गति, अमात्रा में कोई गति नहीं होता। आकार के द्वारा आप विराट भाव को प्राप्त करेंगे, आकार यदि एकमात्र चिंतन करते हैं, यदि आकार से एक मकार का भी चिंतन करेंगे तो आप हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त करेंगे, यदि आकार उकार के साथ आप मकार से ही चिंतन करेंगे तो आप ईश्वर के साथ साहित्य स्वरूपता को प्राप्त करेंगे, स्वरूप का नहीं होगा अभी वो रूप में जाकर वहाँ पर भोग करेंगे। आज यदि ईश्वर के पास यदि वहाँ पर ही तत्वबोध हो गया तो गति अगति संसारित्व, ये श्लोक को हम पढ़ रहे थे, सब मिल के एक बार श्लोक को पढ़ेंगे। नंबर 23 अकारो नयते विश्वं मुरारश्चापि तेजसं मारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते गतिः। जो मात्रा रहित है उसमें कोई गति नहीं है, वो सब विधि निषेध के ऊपर चल जाए, कोई गलती आदत या कुछ नहीं होती। इस पर मकारस्य पुनः प्राग्च शब्द नयते अनुवर्तते, वहाँ पर
जो शब्द है मकारस्य पुनः प्राप्त, ठीक है ना, चकार के तरह के हैं, ऊपर जो क्रियापद है नयति उसका अनुवृत्ति रहेगी, मकारस्य पुनः प्राज्ञ, है ना, च शब्द नयति मतलब मकार की चिंता के फलस्वरूप कहता है ईश्वर भाव, मतलब ईश्वर के साथ सायुज्यता को प्राप्त करते हैं, ईश्वर स्वरूप अभी नहीं हुआ, इसमें ईश्वर स्वरूप हो जाएगा तो सच्चिदानंद में चले जाएंगे, और ईश्वर स्वरूप मतलब सृष्टि करते तो भी नहीं आता, कोई भी व्यक्ति दो ईश्वर नहीं हमारे पास, ईश्वर का चिंतन करने पर भी वेदांत तो कभी भी ईश्वर जीव की एकत्व नहीं होती, क्योंकि ईश्वर भी एक औपाधिक वस्तु है, जीव भी एक औपाधिक वस्तु है, ये उपाधि के साथ दोनों में एकत्व नहीं हो सकता, उपाधि रहित अवस्था में ही एकत्व, जीव ब्रह्म ही बना, जीव ईश्वर ही बना, प्रश्न नहीं कहा, इसलिए आप ईश्वर के साथ जब अभ्यंग अव्यकृत अवस्था को प्राप्त करेंगे तो क्या होता है उस समय, योग दर्शन में भी इसको कहा है कि आप लंबा समय तक सुषुप्ति में रहना जैसे स्थिति में रह जाए, लंबा समय तक रहेंगे फिर तो बीज नाश नहीं होने के कारण फिर उठ करके पहला जैसे समय प्राप्त करेंगे, तो वैसे भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लया नाम, ये योग दर्शन के सूत्र है कि जो लोग मतलब इसके ऊपर प्रकृति के ऊपर मतलब क्या बोलते हैं उसको संयम करके मतलब धारणा ध्यान समाधि प्रकृति के ऊपर है संयम करके पुरुष का विवेक नहीं कर पाया उसी का आनंद में लय हो गया, यदि उस समय उसका शरीर छूट जाता है तो भव प्रत्यय फिर दोबारा उत्पन्न होने के लिए उसके बाद बीज रह जाता है, विदेह प्रकृति लय आलम विदेह में अथवा प्रकृति में लय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का ये गति होती है, इसे तो हमारा देश विश्व साथ हमारा कोई विरोध नहीं है, ज्ञान नहीं हुआ उपासना के फलस्वरूप आप ईश्वर के तरह साहित्य प्राप्त करेंगे, यदि वासना नहीं रहा तो वहाँ से क्रम मुक्ति हो सकते हैं और रह गया तो अनंत आप ब्रह्म भुवनात्म का पुनरावृत्ति न रहे पुनरावृत्ति होते हैं, यहाँ पे बोलते हैं मकारस्य पुनः प्राप्त जो शब्द नए थे इन्हें अनुमान करते टीका में इस पंक्ति को पढ़ लिए थे, यश मकार प्रधानम ओंकारम धैयति, जो व्यक्ति मकार पे प्राधान्यता को देकर के ओंकार पूरा चिंतन करता है प्राधान्यता ईश्वर भाव पे रहता है, मतलब और उनके साथ मकार को चिंतन करें धैयति तस्य प्राज्ञस्य अव्यकृतस्य, प्राज्ञ क्या होता है अव्यकृत अवस्था मतलब बीज अवस्था में चला जाता है, बीज अवस्था प्राप्ति ये युक्त है, मतलब शरीर छोड़ने के बाद भव प्रत्यय भी मतलब लंबा समय तक ऐसा स्थिति में रहेगा जहाँ पे निद्रा अवस्था है, परंतु आप बताओ आपको यदि कहे कि 24 घंटा सोते रहो कुछ नहीं आप पर चलेगा ना रह सकता कोई नहीं, परंतु यही हो जाता है कि वो जो है वो बिना मुक्त हुए उस अवस्था में पड़ा रहा, इसलिए सावधानी के साथ बोलते हैं संयम करो तो संयम का ध्यान रखना उसका फल अच्छा लगता है, या तो मान लो करके सीधा बोलेंगे कि ध्यान से जो एक वस्तु के ऊपर मन को एकाग्र होने पर अच्छा लगता है उसका सुख भी मत लो, वहाँ से भी अपने ऊपर उठो विचार दृष्टि को खुला रखो, पुरुष की ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक तुम्हारा फंसे रहोगे, पुरुष की ज्ञान हो जाए तब तुम मुक्त हो सकते, इसीलिए आप ये बोलते हैं कि यश मकार प्रधानम ओंकारम धैर्य, जो मकार में प्राधान्यता देकर के ओंकार की चिंतन करते हैं तस् उस व्यक्ति का प्राज्ञस्य उसमें प्राधान्य अव्यकृत प्राप्ति, क्या होता है अव्यक्त भय भव प्रत्यय भय विदेह प्रकृति लय यानी प्रकृति में लय अव्यक्त प्रकृति में लय प्राप्त करते हैं, अव्यक्त अवस्था पूर्ण अव्यकृत स्व प्राप्ति, योग दर्शन सूत्र के भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लय यानी अव्यकृत प्रकृति ईश्वर भाव की भाव नहीं उस समय नहीं होगा, ईश्वर भाव मतलब कि आपका मालिक बन जाएगा सृष्टि के, मतलब ईश्वर के सारे गुण नहीं आते लेकिन कुछ गुण आ जाते हैं, कुछ भी नहीं वो सृष्टि स्थिति रहेगा बाकी आप ईश्वर के समान ईश्वर जो भोग कर सकते, परंतु आप यदि समाधि के माध्यम से जाएंगे ना जैसे उसमें शरीर छूटते हैं तो क्या होता है आप एक अव्यक्त प्रकृति में लय प्राप्त कर जाएंगे, तो क्या होगा आपको उसमें लय प्राप्त करने से कुछ बोध नहीं रहेगा, ईशावास शुक्र शक्ति देखना संभूतिम से असंभूतिम जस्विद उभय गुम सहयोग विनाशीन मृत्यु संभूत अमृतम अस्मृत, उसको टीका टिप्पणी को देखना, ये संभूति और असंभूति, असंभूति हो गया आपका ईश्वर अव्यकृत प्रकृति असंभूति हो गया हिरण्यगर्भ, इन दोनों को मिलाकर उपासना करने से यदि ज्ञान नहीं हुआ और आप उसमें लय प्राप्त हो गया तब क्या हो जाएगा, जब जो वहाँ भी यही सूत्र को किया कि आपको जो है अब व्यक्ति में सोया अवस्था में लंबा समय तक उसका सुख लेकर के फिर आपको सृष्टि आना पड़ेगा, इसीलिए जो भगवान भास्कर बोला ना पहले कि यो अमूत्र फल भोग विराग, ये बिल्कुल तीव्र होना चाहिए कि कुछ भी किसी प्रकार की फल की आशा नहीं है केवल मुक्ति चाहिए तब तक, अब यहाँ पे बोलते हैं कि क्रियापद अनुवृत्ति उभयत्र विवक्षिता, क्रियापद तो एक ही बार दिया नयते, परंतु वहाँ पे जो उकारश्चापि तैयशम नयते
मकारस्य पुनः प्राज्ञम नयते, दोनों जगह पे आ गई और अमात्र गति न विद्यते, मतलब मात्र रहित हो जाने पर फिर कोई गति आगति प्राप्ति कुछ भी नहीं होता, उस समय भेदभाव रहित हो जाता है। जब तक भेद दृष्टि है तब तक आप लोग जानते होंगे कि एक नामदेव जी थे, ये नामदेव जी जो है वो रोटी बना के रख रहे थे तो किसी ने घी दिया तो रोटी कुत्ता के रोटी नहीं बल्कि पीछे दौड़ रहा है कि भाई थोड़ा रोटी में घी लगा, नहीं रोटी छीनने के लिए रोटी में थोड़ा घी लगा। एक एकनाथ जी हुए, एकनाथ जी मतलब ज्ञानी पुरुष थे और फिर कर्मकांड उनका दोस्त था। उन लोगों ने एक बार निश्चय किया कि जो चलो गंगोत्री से अथवा गोमुख से जल उठा करके पहुँच रहे रामेश्वर, इसका बहुत पुण्य है। हमारे यहाँ पे एक महात्मा किए हैं और धन के साधना जी को धन्य क्षेत्र में पैदल अभी है वो दंडी क्षेत्र में रहता है, अभी नर्मदा खंड में उनका जगह मिला, उनके पति है साधनानंद एकनाथ जी जो है वो लोग भी ऐसे ही उनके साथ ही कर्मकांड जल लेकर के जा रहे थे। तमिलनाडु के आसपास कहीं गर्मी का समय सूखा, वहाँ पे देखा एक गधा वो पानी को लेकर के तड़प रहा है, उसने पानी वही गंगा जल पिला दिया। कर्मकांड दोस्त बोले ये तूने क्या किया, बोलता अरे जिसको जलचर में जा रहे हो स्वयं का धारण धारण करके आया, मैं उसे पानी पीने के लिए क्या करूँ, तो बस उसे जो तला है एक उनके इनके थे हमारे ये गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के साथ एक साथी तो उनका नाम था बंदा भैया, वो क्या लड़ते तो मुसलमानों के साथ गुरु गोविंद, परंतु जब युद्ध समाप्त हो जाता था तब सेवा करने के लिए सब के लिए। अब देखिए विभीषण भी रावण को जो है जलाने के लिए तैयार नहीं हुआ था, तो राम जी क्या बोलते हैं नहीं नहीं मरने के बाद कुछ नहीं रहता, इसका सत्कार तो नहीं करता। हाँ भाई था राम जी दृष्टि देखिए, मतलब भाई होने पर भी क्या है दुश्मनी तो शरीर जब तक है तब, जहाँ पर एकत्व बुद्धि हो गया तब फिर क्या था कोई गति आगति नहीं है, कोई प्राप्ति अप्राप्ति कुछ ना भाव को भूल जाना चाहिए। हम लोग देखते हैं महापुरुष के जीवन में यही है कि यदि धीरे धीरे आप इतना आत्मभाव में बैठेंगे तब भेदभाव की भेद बुद्धि उसी को मन के रखते हुए देखिए हम बोलते हैं कि चतुर्थ पादम व्याचष्ट, आप चतुर्थ पाद को व्याख्या करें, चतुर्थ पाद क्या है नामात्रे चतुर्थ पाद की व्याख्या हम छोटे से संकल्प संख्या छिने तू मकारे बीज भाव क्षया, अब आपने अकार को उकार में लय किया, फिर अकार उकार को मकार में लय किया, अब मकार तक भी आपको लय कर देना है, ये थोड़ा कठिन पड़ रहा है। ईश्वर को लय कर दिए कैसे हो सकता, ईश्वर को लय मतलब क्या है, ईश्वर जो माया उपाधि के साथ है उस माया उपाधि हिस्सा को हटा दो शुद्ध चिंतन में, ईश्वर की लय नहीं बोल रहा। आपने विराट पुरुष को लय किया, विराट पुरुष को लय किया क्या किया, अधिष्ठान चेतन को थोड़ी लय किया, केवल ऊपर नाम रूप हटाए स्थूल नाम रूप हटाए, फिर आपने हिरण्यगर्भ को मकार में लय किया, तो मतलब क्या सूक्ष्म तन्मात्र से बने हुई जो चीज है उसको हटाया, फिर आपने मकार में आया, मकार क्या तन्मात्राओं की बीज है, आप विचार पूर्वक उस बीज को भी हटाए तब क्या बच जाएगा, केवल अधिष्ठान, हम शून्यवादी नहीं है जो माया का बात हो जाए, बीज अवस्था ज्ञान का बात हो जाएगा। इसी के यहाँ पे बोलते हैं कि छीने तो मकार, ये थोड़ा कठिन पड़ता है यहाँ पे आकर, तो यहाँ पे छीने तू मकारे बीज भाव क्षयात, मकार भी जब क्षय हो जाता है तब बीज भाव का नाश हो जाने के कारण क्या है अमात्रा, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, एक अकार उकार मकार, इसको हम तुरीय शब्द व्यावहारिक रूप में प्रयोग करते हैं परंतु शब्द के लिए शब्द प्रयोग नहीं होता, इनके सापेक्ष से ये विलक्षण है, इसको समझाने के लिए तुरीय शब्द प्रयोग किया। अच्छा तब बोलते हैं अमात्रा ओंकारे, वो अमात्रा रूपी जो ओंकार है मतलब साइलेंट फीचर है, वहाँ पे जा करके यदि वहाँ पे आप स्थिर रह सकते हैं, गतिर ना विद्यते क्वचित इति अर्थ, किसी भी स्थान में गति किसी भी स्थान में कोई गति मतलब कोई भेदभाव नहीं रहेगा, भाष्यकार इतना लिखते हैं, भाष्यकार लिखते हैं कोई भेदभाव या दृष्टि रह नहीं जाता, व्यवहार व्यवहार के स्थान में पारमार्थिक बात अपना पारमार्थिक, ठीक है। लेकिन जो हम तीनों दृष्टांत की और रोटी नहीं खाता ये बात नहीं है, रोटी खाते हैं वो ज्ञान हुआ मतलब टीबी पेशेंट बन गया कैंसर पेशेंट बन गया, ये नहीं है,
फोर सेंस रहता है, सब कुछ रहता है, परंतु भेद दृष्टि चला जाता है। यदि मैं खाता हूँ दाल भात तो इसको भी दाल भात खाने का, कोई वैसा भी होता है डस्टबिन में बैठ करके कुत्ते के साथ एक साथ भी खाते हैं, ऐसा भी दृष्टांत हमारे पास महापुरुष जी खा 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 लोग हंसते क्या फर्क है। तो सब प्रकार की जो है नामात्र विद्या थे गतिमत है, उसका बहुत दृष्टान्त है। ओरिजिनल पागल भी खाते हैं, ओरिजिनल पागल भी खाते हैं किसी भी प्रकार की किसी भी कोई गति प्राप्त नहीं। आप देखिए आनंद इसको समझा रहे, स्थूल प्रपंच जागरित विश्व, ठीक है ना, स्थूल प्रपंच जागरित विश्व, प्रपंच मतलब विश्व, प्रपंच मतलब सारा प्रपंच मतलब बच्चे जो भी विस्तार दिखाई पड़ता है। मैं बोला दो भाग, यहाँ पे बोला दो भाग में, एक हो गया आपका संसार, एक हो गया जगत, इन दोनों को मिला करके प्रपंच बोला जाता है। संसरण मतलब संसरण करने वाला जीव, और जगत मतलब जहाँ पे संसरण करते हैं, चलते गच्छे थी जगत है ना। तो यहाँ पे जो है स्थूल प्रपंच जागृत, स्थूल प्रपंच जागृत और जागृत अभिमानी चेतन, इसको क्या बोलते हैं विश्व, ठीक है ना। इति एतत् तृतीयम अकार मात्र, ये पहले ये चिंतन करना है, स्थूल प्रपंच फिर जागृत अवस्था मतलब जागृत जागृत उपहित वैष्टि चेतन, जिसको विश्व शब्द के द्वारा कहा, मतलब चेतन को छोड़ने से तो होगा ही नहीं कुछ, इसीलिए वो चेतन भी चाहिए और जागृत अवस्था स्थूल प्रपंच हमारी जागृत अवस्था, जिस समय मैं स्थूल वस्तु को देखता हूँ ग्रहण करता हूँ, और वो चेतन के बिना तो जन्म क्रिया होना संभव नहीं, तो चेतन को भी मन में रख करके आप इतना ये सब मिलकर के अकार, तीनों मिलकर के अकार। तो इस कुछ दिन तक अकार के चिंतन करते करते अपना अपने आप ही आएगा स्थूल प्रपंच व्यवहार करने इसके पीछे क्या कारण, इसके पीछे क्या कारण, तो उसको लेकर के आप बोलते हैं देखो इतनी तृतीय वहाँ पर कौमा कर देना, अकार मात्र स्थूल प्रपंच जागृत विश्वम चयती एक तृतीय अकार मात्र। आनंद गिरी जी हमारे वस्तु को समझने के कुछ कुछ जगह बहुत मदद करते हैं कि कैसे ये उपासना क्या हुई यहाँ पर। कुछ दिन तक ये चिंतन करने के बाद सूक्ष्म प्रपंच स्वप्न तेजस्य एक तृतीय उकार मात्र, सेकेंड कॉम, ठीक है, अब क्या हो जाएगा सूक्ष्म प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच मतलब समष्टि सूक्ष्म शरीर, ठीक है ना, समष्टि सूक्ष्म शरीर मतलब क्या हो जाएगा समष्टि इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, ये तीनों को देखा गया। और फिर हमारी स्वप्नावस्था, आप देखिए स्वप्नावस्था मतलब हमारी स्वप्नावस्था नहीं, जागृत काल में बैठ करके जब केवल हम मनोराज्य में विचरण करते हैं, जागृत काल में बैठ के जिस समय हम मनोराज्य में विचरण करते हैं स्थूल शरीर का भान लगभग नहीं रहता, वो स्वप्न है। और जो मांडू का कार्यकाल की परिभाषा क्या है, ये अन्नथा ग्रहण हो रहे हैं, यही स्वप्न है, अग्रहण के कारण जो अन्यथा ग्रहण है ये स्वप्न है। इस चीज को मन में रखते हुए आपको चिंतन करना है कि सूक्ष्म प्रपंच स्वप्न तेजस, तेजस मतलब इसमें उपहित चेतन है ना, सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन, तो व्यष्टि और समष्टि को मिला रहे हैं एक साथ करके, इन तीनों मिलकर के क्या हो गया उकार, ठीक है ना, अब क्या है अकार को उकार में मिला है ना, अकार से ओकार चलते थे ये उच्चारण, जब मैं बोला कि ओंकार की उपासना दो प्रकार के होता है, एक एक शब्दात्मक एक रूपात्मक, ठीक है ना, एक शब्दात्मक के साथ रूप को मिला करके भी चल सकते हैं, रूप मतलब अपने हृदय कमल में एक सुंदर कमल के ऊपर एक ओंकार मूर्ति को चिंतन करती है, अकार कर्म कर उसी में धीरे धीरे लय करते हुए केवल अधिष्ठान को बचे, अथवा शब्द के साथ कर्म दो प्रकार के ओंकार ऊपर शुरू में ही बताया था। इसको इस प्रकार के स्थूल प्रपंच जागृत विश्व चयती एत तृतीय अकार मात्र, सूक्ष्म प्रपंच स्वप्न तेजस एत तृतीय उकार मात्र, ठीक है ना। अब ये दोनों प्रपंच, ठीक है ना, ये हो गया आपका उकार को, अब उकार को मकार में लय करेंगे, कैसे करेंगे, प्रपंच दय कारणम, ये दोनों प्रपंच की जो विस्तार दिखाई पड़ता है उसका कारण क्या है, अज्ञान अविद्या, यहाँ पे हो गया निद्रावस्था निद्रा सुषुप्ति का, प्रपंच दय कारणम सुषुप्तम प्राज्ञश्च, ये प्रपंच दय के कारण जो माया बोलिए अज्ञान बोलिए वो हमारी जो है जिस समय हम ध्यान में बैठ करके, क्योंकि साधना आपका जागृत काल में होगा, ध्यान में बैठ करके हम सूक्ष्म शरीर से भी तादात्म्य जोड़ सकते हैं,
सूक्ष्म शरीर का भी हमारे सामने दृश्य बनाना शुरू कर दिया कि सूक्ष्म शरीर जब दृश्य बनेगा धीरे धीरे विचार करते करते सूक्ष्म शरीर की हर मृत्यु को हम देखते रहते हैं तो मैं इससे भिन्न हूँ दृष्ट हूँ। इस प्रकार प्राग्ञ में पहुँच सकते हैं। प्राग्ञ में जब पहुँचते हैं सुषुप्तम, प्राग्ञ सुषुप्त में क्या होता है, आपका स्थूल शरीर का भी भान नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर का भी भान नहीं रहता, और उस समय आपका अस्तित्व का भान तो रहता है परंतु अभिव्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ भी जागृत में बैठ करके ही जागृत में बैठ करके स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तादात्म्य छोड़ करके कुछ भी अभिव्यक्ति का प्रयास ना करें। आनंद की अनुभूति हो रहा है अथवा आनंद हो रहा है कि आनंद होगा ये सब कुछ नहीं, जो स्थिति है उसमें है। मैं इस पहले भी बोला था कि देखो भाई, लोग कहते हैं कि समाधि में अनुभव होता है, यदि अनुभव हो रहा है तो समाधि क्या रहा, मुश्किल है समझना। ये जब तो अनुभव हो रहा है मतलब मनोवृत्ति चल रहा है, मनोबुद्धि बुद्धिवृत्ति चल रही है, तो उस स्थिति में आके जिस समय मनोवृत्ति बुद्धिवृत्ति सूक्ष्म शरीर दोनों बंद हो जाता है, अब बीज अवस्था प्रपंच कारण सुषुप्तम प्राग्ञश्च, ये दोनों प्रपंच के जो कारण मतलब अज्ञान और उसमें सुषुप्ति अवस्था मतलब जिस समय समस्त इंद्रिय व्यापार बंद कर देता है, उस उपहित जो चेतन है इन तीनों को एक साथ मिल करके इति एतत् तृतीयं मकार मात्रम, ये किसको मकार है ठीक है ना। आप पहले अकार उकार मकार को अच्छी तरह समझा, अब क्या करना है तत्रापि पूर्वम पूर्वम उत्तर उत्तर भावम आपद्यते, उसमें भी क्या होता है अकार और उकार, अकार को उकार में मिला देना, फिर अकार उकार मिला करके मकार में मिला देना, अकार उकार मिलकर के मकार मिला देना। देखना ये अकार का मतलब ये पूरा आपका थॉट फ्लो इसमें क्या है, करना क्या है कि अकार को उकार को मिला करके मकार बना दिया, ये इज नॉट लाइक दी, ये तो मेंटल उपासना प्रकरण है, ये फ्लो ऑफ थॉट्स है, एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट, अकार से लेकर के उकार में, उकार से अपने मकार में, मकार में आने के बाद आपने क्या किया कि आप मकार का भी लोग स्वरूप अधिष्ठान योग बीज अवस्था भी नाश कर, इसे पहले बोला यहाँ पे कि तत्रापि पूर्वम पूर्वम उत्तर उत्तर भावम आपद्यते। आप भगवान भाषा क्या बोलता है छिनेतु मकारे बीज भाव क्षया, अब मकार को क्षय करना मतलब बीज भाव को नाश करना। यहाँ पे जिस प्रकार जो जिस समय आप स्विच जलाते हैं उस समय आपको अंधेरा को मिटाने के लिए और क्या काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ता, अंधकार अपने आप चला जाता है। इस समय वो लगातार उस आत्मचिंतन के फलस्वरूप आत्मा के प्रकाश अपने आप ऐसा एक झलक आएगा आपके सामने, वो अज्ञान नाश कर, वहाँ पे फिर प्रयास नहीं करना कि मैं मकार को नाश करके करूँ, वो प्रयास तब मका को समझ में गया ही नहीं था, बस उस अवस्था बैठे नहीं, जब तक प्रारब्ध जनित प्रतिबंध क्षय नहीं होता तब तक वो अभिव्यक्त नहीं होता, मतलब वो अपने आप होता है। ये है कि हमारा वो आत्मनिष्ठ होना चाहिए, आत्मसंबंधित जो है ना बीज अवस्था को देख करके बस जागृत अवस्था को सुषुप्ति बना करके बाहरी प्रपंच के साथ संबंध छोड़ना, स्थूल सूक्ष्म से संबंध छोड़ना, उसको बोलते हैं चिन्ह तो मात्र। अब देखिए बोले हैं तद एवं सर्वम ओंकार मात्र इति ध्याता, पूरे ये जो भी कुछ पूरा प्रपंच दिखाई पड़ता है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सब मिला करके ये सब क्या होगा ओंकार मात्र इति ध्यात्वा स्थितस्य, वो व्यक्ति को स्थिर रहना पड़ेगा। जब एतावंतम कालम ओम इति रूपेण प्रतिपन्नम, ठीक है ना, जो इस समय ओम ऐसा करके विचार करके सब ओंकार में लाए प्रतिपन्नम ओम इति रूपेण प्रतिपन्नम, मतलब आपको बोध में आ रहा है केवल सब ओंकार ईश्वर रूप है, इस शरीर में कुछ नहीं है बल्कि इस समय बीज छुपा हुआ है, इस समय बीज है इसलिए बोलते हैं तत् परिशुद्धम ब्रह्म, यही बीज रहित भी है ब्रह्म यदि आचार्य उपदेश समुद्र सम। आप उस समय क्या होता है जो आपने तत्व, इस समय थोड़ा आपको डर लगेगा, मैं बोलता हूँ यदि कभी ईश्वर के पास इस अवस्था में पहुँचेंगे पहले आपको भयंकर डर होगा, क्योंकि हमारा हमेशा अभ्यास बना हुआ है कि हम अपने को किसी के साथ देखना चाहते हैं, उपाधि के साथ आपने को देखा, आप अभ्यास करते करते उपाधि के साथ छोड़ना चाहते हैं ना, तो जिस समय उपाधि आपको लगेगा कि जैसे वहाँ शून्य में मैं क्या हो गया एक गिर रहा हूँ बुरा क्या, डर लग जाएगा आपको, कुछ व्यक्ति नहीं होगा आपको लगेगा यहाँ पे कैसे बाहर, यदि उस समय थोड़ा सा स्थिर रह पाते हैं ईश्वर के पास गुरु बाप को तो महाबाप को याद आता है, अरे यही तो हमारी पारमार्थिक ये आप इसे देखो बोल रहे हैं इसको यहाँ पे कि ये भी तदेव सर्व ओंकार मात्र ध्यात्ता स्थित जब एतावंतम कालम ओम इति रूपेण, यहाँ तक आपने लंबा समय तक ओम ईश्वर भाव में बन बैठा तत्पर शुद्धम, यही हो क्या हो गया, यही है
असंभव शुद्ध ब्रह्म, यहाँ पे माया नहीं है, बीज नहीं है। इस प्रकार यदि आचार्य जो उपदेश समुद्ध कैसे होगा ये, नहीं तो आप यदि उस समय यदि वो आचार्य वाक्य श्रुति वाक्य मन में अभी स्फुरन होता है, केवल मन में स्फुरन होता है, शुद्ध मन में वो स्फुरन होता है, तो होता है सम्म ज्ञाने न, उस समय वो क्या होगा, बीज भाव को नाश करके ये उत्पन्न होगा। बीज भाव को आप स्वयं नाश नहीं कर सकते, बीज भाव का स्वयं, जब तक बीज भाव को नाश करने का प्रयास रहेगा ना तब तक एक परिच्छिन्नता की वृद्धि रहेगी। इसीलिए एक समय आ करके द्रौपदी की तरह हाथ पैर छोड़ करके केवल जो तुम करते हो, इस तब जा करके, क्योंकि शास्त्र क्या बोलते हैं, यम एव एष वृणुते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुषा। जिस व्यक्ति ने इस परमात्मा को वरण किया, अथवा परमात्मा जिसको वरण किया उसके सामने ही परमात्मा अपने स्वरूप को खोल देते हैं। हम परमात्मा के स्वरूप को खोले ये शास्त्र में नहीं होता, शास्त्र में नहीं, ये उस समय श्रेय बोलते हैं कि तत् परिशुद्धम ब्रह्म है वैति आचार्य में, आप प्रयास नहीं करने से कभी नहीं खुलेगा, बी श्योर ऑफ इट, यहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा, ईश्वर भाव मकार तक अव्यक्त तक आपको पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप उस भाव में रहना, कुछ प्रारब्ध समाप्त होते ही उसको रहते। इसीलिए हमें बोलते हैं ब्रह्म इति आचार्य उपदेश समुद्र सम्मक ज्ञान, से आचार्य के उपदेश से सम्मक रूप से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान समुद्र सम्मक रूप में उत्थित हुआ, ठीक है ना, अभिव्यक्त हुआ, उत्थित माने आते अभिव्यक्त हुआ। मैं कथा कई बार सुनाया था, एक चोर को किसी कभी किसी समय चुन रखा था, तो देवताओं की पैर जमीन में नहीं पड़ते, बलक नहीं पड़ते, प्राण संकट आया तो वो याद आ गया। ये बोलते हैं कि ब्रह्म एवं आचार्य उपदेश समुद्र सम्मक ज्ञाने न पूर्वोक्त सर्व विभाग निमित्त अज्ञान। अब क्या होता है, ये अलग अलग विभाग करके देखने के लिए निमित्त क्या था, अज्ञान। हाँ पूर्वोक्त ये देखिए, ये अकार उकार मकार विभाग कौन देखा, शास्त्र दिखाए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो हमारे अनुभव में आता है, इन दोनों को मिला करके दिखाने के बाद विभाग दिखाने के हेतु क्या है, अज्ञान अवस्था में भेद दिखाई पड़ता है, उसके अनुवाद भाग है, अब प्रतिपाद्य भाग में आ रहा है, ये शास्त्र के अनुवाद भाग है। होता है पूर्वोक्त सर्व विभाग निमित्त अज्ञानस्य मकारत्वेन भीतस्य क्षय, वो क्षय क्षय ब्रह्मणि एव शुद्धे, तब क्या होता है व्यापक शुद्ध चेतन तत्व में पर्यवस्यति, वहीं पे जा करके एकीभूत हो जाता है, एकीभूत हो जाता है। कुछ एक नंबर टिप्पणी बोलते हैं एकीभूतस्य इति अर्थ पर्यवसित पर्यवसितस्य मतलब जो एक साथ एक हो गया, न कचित गति उपपद्यते, जो इस प्रकार एक भाव में स्थित हो गया उसके लिए और फिर गति आगति कुछ नहीं रहता है ना, इसलिए बताया गति क्वचित किसी भी प्रकार की कहीं स्थान में गति न उपपद्यते, कस्मात परिच्छेद अभाव है ना, परिच्छिन्नता के अभाव अपने पूर्णता की भावना स्थिर होता है। ये जो है भगवान भाष्य का इतना मात्र प्रगति, छिने तु मकारे बीज भाव छया अमात्र ओंकार गति न विद्यते कचित, इतना पंक्ति का अर्थ देखा बहुत अच्छा है, इसको आपको मतलब पढ़ने से लगेगा कि मैं कुछ करूँ, इतना मैं बोला मानव को कार्य का ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ करूँ, केवल पठन पाठन छोड़ के बस ठीक है, कुछ समय अपने लिए भी रखना है, मैं कुछ तब देखना धीरे धीरे शास्त्र के रहस्य सारा आपके सामने खुल जाएगा, और जिसके लिए ये शास्त्र पठन पाठन वो आपके लिए, जिसके लिए शास्त्र पठन पाठन हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य आत्मज्ञान है, ये तो मन को शुद्ध करने के लिए, इसको भी एक समय जो है कुछ हद तक रह करके फिर इसको भी छोड़ना है, बस ये बोलते हैं यहाँ पे मात्र विद्यते यहाँ तक हो गया देते थे। अब फिर जो है उपनिषद का अंतिम मंत्र आ रहा है, उपनिषद का अंतिम मंत्र को लेकर के अभी जो है टीकाकार को दिखाते हैं, प्रत्यक्ष चैतन्यम ओंकार संवेदनम त्रिमात्रेण ओंकारेण अध्यस्तेन तादात्म्यात् ओंकार नियुच्यते, है ना, प्रत्यक्ष चैतन्यम, प्रत्यक्ष चैतन्य मतलब इंडिविजुअल सेल्फ है ना, प्रत्यक्ष चैतन्यम ओंकार संवेदनम, ये ओंकार रूपी है हमारा, मतलब जो चेतन है ये ओंकार, यद्यपि अवलंबन लेकर के चलना है, अवलंबन लेकर के चलना है, तो ओंकार मतलब ईश्वर का नाम है, वो प्रत्येक चेतन ही है, मान इंडिविजुअल सेल वही है, ओंकार ईश्वर ही है,
अब त्रिमात्रेण ओंकारेण अभ्यस्तेन, हमने कि उसमें तीन मात्रा का अध्यास किया, त्रिमात्रेण ओंकारेण अभ्यस्तेन तादात्मा एक हो गया आपका, क्या प्रत्यक्ष चैतन्य और ओंकार एक हो गया, प्रत्यक्ष चैतन्य प्रत्यगात्मा और ओंकार एक हो गया, मतलब आपका क्या हो गया, अब इंडिविजुअलिटी अथवा जो परिच्छिन्नता वो मिल जाता है, बोला ना परिच्छेद अभाव, लास्ट में क्या बोला, परिच्छिन्नता के अभाव अभी आपको समझ में आ रहा है, अभी हमको परिच्छिन्नता को देखा ही देखते हैं अपने को, आप क्या हो जाएगा, ये शरीर तो रहेगा परंतु शरीर में रहते रहते आपका निश्चय कि परिच्छिन्न वस्तु मैं नहीं हूँ, ये उपाधि मात्र है, इसको समझने के लिए भगवान ने शरीर को दिया था, इसको समझने के लिए भगवान ने शरीर को दिया था, अब इसका काम हो गया। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, नाव पार, नाव के द्वारा नदी पार होने के बाद ब्रह्मसूत्र में है, कोई व्यक्ति नाव को अपने कंधे में लेकर के उस पार नहीं जाता, ये नाव है, महता पुण्य पन्ने न पियते कायनोस्तया पारम दुख दधे गंतुम तर जावत नाभिदति, आया था पर दुख है ना, महान पुण्य रूपी कीमत चुका करके तब जाके मनुष्य शरीर आपने प्राप्त किया, महता पुण्य पन्ने न, महान पुण्य रूपी कीमत चुका करके तो अब ये मनुष्य शरीर आपने प्राप्त किया है ना, कियते कायन काया रूपी इस नौका को आपने प्राप्त किया, तर क्यों प्राप्त किया, पारम दुखो दधे गंतुम, दुख रूपी संसार सागर को उस पार जाने के लिए, तर तब तक तैरते रहो जागत न भिद्यते, जब तक इसका भेद ना भेदना इसका अलग, तो इसी ही कहते बोलते हैं प्रत्येक चैतन्य ओंकार संवेदनम त्रिमात्रेण ओंकार अध्यासेन तादात्म्या ओंकार निरुच्यते, प्रत्येक चैतन्य भी ओंकार इस शब्द के द्वारा कहा जाता है। तस् अच्छे हमें दो नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है, ओंकार संवेदनम, ओंकार संवेदनम उपासनम दस, ठीक है ना, मतलब ओंकार उपासना के द्वारा उपास्य देवता के साथ एकत्र अनुभव कर लिया जिस व्यक्ति ने, यदवा ओंकार संवित्तीकरणम जैसे अथवा ओंकार का संभव रूप से जान लिया जैसे इति विक्रोधी अपने बहुत बड़ी समझ है ये समझ में आएगा। फिर अभी तस् परेण ब्रह्मणा ऐक्यम अमात्रादि सूत्र विवक्षते ताम अवतार्य व्याकरण, वो जो प्रत्यक्ष चेतन जो व्यापक है शुद्ध है उसका तस्य परेण ब्रह्मणा, पर ब्रह्म तो शुद्ध ब्रह्म के साथ ऐक्य वो एक रूपता को दिखाने के लिए अमात्रादि श्रुति, अमात्र चतुर्थ व्यवहार अमात्रादि श्रुति के तरह विवक्षते बोलने की अभिप्राय रखती है, विवक्षा मतलब बोलने की अभिप्राय इच्छा है, ताम अवतार्य उस श्लोक को अभी अवतरण करते हुए व्याकरति भगवान भाष्य, भगवान भाष्कर उस श्लोक अंतिम मंत्र का व्याकरण करते हैं, ठीक है, तस्य परेण ब्रह्म तस्य क्या अभी कर दिया, देखो तस्य ओंकार अभिधेयस्य प्रतिच, ओंकार के द्वारा कहा जा रहा है जिस प्रत्येक आत्मा को अप्रत्यक्ष अभिप्राय है, ओंकार अभिधेयस्य, ओंकार जिसका अभिधेय है, अभिधान है ओंकार, ओंकार के द्वारा जिसको कहा जा रहा है, ओंकार हो गया अभिधान, उसके द्वारा कहा जा रहा है जिस इंडिविजुअल सेल्फ को, उस इंडिविजुअल सेल्फ इज नथिंग बट द सुप्रीम सेल्फ, इसको दिखाने के लिए आप बोलते हैं ओंकार अभिधेयस्य प्रतिच, उसको किसके साथ एक अधिकार है, तस् परेण ब्रह्मण पर ब्रह्म के साथ ऐक्यम है ना, कोई पर ब्रह्म शुद्ध असंग व्यापक करते ऐक्यम अमात्रादि श्रुत, ये वही प्रतीक है अमात्र जो श्रुति, उस श्रुति के द्वारा विवक्ष के बोलने की इच्छा रखते हैं श्रुति, भगवान भाष्यकार ताम उस श्रुति को अवतार, यहाँ पे श्रुति को यहाँ पे अवतारण के रूप में ला करके व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार, अमात्र अमूल मंत्र खाने अमात्रश्चतुर्थ अव्यवहार्यः, अमात्रश्चतुर्थ अव्यवहार्यः प्रपञ्च उपशमः, प्रपञ्च उपशमः शिवो अद्वैतमेव ओंकारः, शिवो अद्वैतमेव ओंकारः आत्म एव संविशति आत्मनात्मानम्, संविशति आत्मनात्मानम् य एवं वेद अमात्रश्चतुर्थव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवो अद्वैत एव ओंकार आत्मैव संविशति आत्मनात्मानम् य एवं वेद अमात्रश्चतुर्थव्यवहार्यः
प्रपञ्चोपशमना शिवो अद्वैत एव ओंकारात्मा आत्मैव संविशति आत्मना आमानं यदेवं वेद। अमात्र जहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, ठीक है ना, मात्रा रहित अवस्था में आ गया। मात्रा जस नास्ति, जो अभी कोई मात्रा के साथ आराधना नहीं करते। ये चतुर्थ, इसको तुरीय शब्द कहते चतुर्थ, मतलब चतुर्थ के रूप में समझा जाता है, क्योंकि वो तुरीय अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति से भिन्न नहीं, उसी के अंदर अनुसूत है, किंतु मात्रा के साथ आराधना नहीं, अब मात्रा हट गई। इसलिए अमात्र चतुर्थ, तो अमात्र क्या हो गया, आपका नाम और रूप दोनों को आपने हटा दिया। अब जब नाम रूप हट गया तो व्यवहार किससे करेगा, नाम रूप नहीं तो अर्थ क्रिया करते भी संभव नहीं। इसे बोलते हैं अव्यवहार्य, ये समस्त व्यवहार से ऊपर है। यहाँ क्या होता है, प्रपंच उपशम, यहाँ पे प्रपंच है संभव रूप से उपशम, उसी में जाकर के लय प्राप्त कर लेते, प्रपंच उपशम। शिव शिव इज ऑस्पिशियस, वशी कांतु कहते हैं, जैसे हिंसी धातु है, हिंसक है, इसको वर्ण विपर्जय करके बन जाता है सिंह, इसी धातु से ही बनता है वर्ण विपर्जय, सिंह धातु हिंसी बनता है उसका, इकार लोप होता है, यदि धातु नुम नुम आगम होता है हिंसी बनता है, तो हिंसी धातु है, इकार तो उसका लोप है, उसको उल्टा करके बन जाता है सिंह। इसी प्रकार वशी कांतो धातु है, ब्यूटीफुल, इसको वर्ण विपर्जय करके बन जाता है शिव, शिव ऐसा करके जो है वशी कांतो धातु से उसका वर्ण विपर्जय करके यहाँ निपातन से हुआ, कोई वर्ण विपर्जय से बना, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब भेद रहित जो स्थिति है यही सबसे कल्याणकारी स्थिति है, शिव अद्वैत है, भेद रहित शांतम शिवम अद्वैत, मेरे प्रपंच उपशम शांतम शिवम अद्वैत, सारा प्रपंच को उपशम होकर के भी शांतम नहीं है यहाँ पे, मैं उसका पहले आया हूँ, आया हूँ शांतम शिवम, तो प्रपंच उपशम समस्त प्रपंच विस्तार व्यवहार या जहाँ पे जाकर के शांत हो जाता है, वो उस परम कल्याणकारी शिवमय मूर्ति है, क्या है वो भेद रहित स्थिति, अपना ही भेद रहित स्थिति, परम कल्याणकारी स्थिति यही है शिव अद्वैत एवं ओंकार, यही ओंकार मतलब ओंकार की पारमार्थिक रूप यही है, और यही आत्मा भी, यही मेरा स्वरूप भी है, ठीक है ना, शिव अद्वैत एवं ओंकार आत्मा एव, इस प्रकार से ये ओंकार आत्मा ही मेरा स्वरूप है। इस प्रकार से जो व्यक्ति जान लेते हैं उसका क्या होता है, संविशति आत्मना आत्मा, अपने द्वारा अपने में अपने आप प्रवेश कर जाते हैं, संविशति उपसर्ग भी लगे विषय, यहाँ पे मतलब यही नहीं कि आप नया कोई जगह में प्रवेश किया, अपने स्वरूप का अपने पहचान, बीस धातु को एंटायर अर्थ में आता है, और सम उपसर्ग है, सम्यक रूप से एक हो जाता है, प्रवेश हो जाता मतलब सम्यक रूप से तो बन जाता है, जिस प्रकार आपने समुद्र में पानी और पानी का अभी कोई बोतल में भर के नहीं, समुद्र में अपने पानी को डाल दिया तो क्या हो जाएगा, हाँ उसमें प्रवेश हो गया, संपर्क प्रवेश हो गया, पानी समुद्र का ही था, मैं अपने बर्तन में ला करके आपने अलग करके कुछ खेल रहा था, भर कर क्या हुआ समुद्र में डाल, तो समुद्र का पानी समुद्र संविशति आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपने को उसमें अपना तभी मिला, आत्मना आत्मानम संविशति कौन जय एवं वेद, इस प्रकार जानते जैसे समझ जाता है वो क्या होता है कि बस अभी, इसीलिए ना आप देखिए दैव मेवा परे योगी उपजीवते ब्रह्मानो अपरे यज्ञ योग्य नहीं उपजीव, अपने द्वारा अपने को अपनी परिच्छिन्नता को व्यापकता में आहुति देते हैं, श्री कृष्ण वैसे बोले भगवद गीता की चतुर्थ 23वां श्लोक है, 23वीं या 25वीं ब्रह्मात्मन ब्रह्म के बाद आए हैं, दैव में बा परे यज्ञ योगी न पर उपासते ब्रह्मात्मन अपरे यज्ञ यज्ञ नहीं भी उपजीव, 25 आत्मन ने बात तो आपने संतुष्ट रहना, अपने में आपने संतुष्ट रहना, वहाँ पे तो केवल ये अपने को आहुति देना, मतलब कैसे मिल जाते हैं अपनी परिच्छिन्नता को व्यापकता में, अहंकार परिच्छिन्न अहंकार को पूर्ण पूर्ण मैं आहुति देना,
यही हो गया। इसमें विचार करते करते, चिंतन करते करते स्थिति को प्राप्त कर जाए, परिच्छिन्न ने मीडिया की संविशति आत्मनात्मन जयपुर जानते हैं। ठीक है, अब भाष्य में आ जाइए। भाष्य का क्या बोलते हैं देखिए, पहले भाष्य पढ़ लेते हैं फिर टीका में आए। भाष्य का अच्छा देखिए, अमात्र मात्रा दस्य नास्ति, है ना, मतलब ये अमात्र मतलब मात्रा रहित जो स्थिति व्यक्ति को प्राप्त हो गया, सो अमात्र वो मात्रा रहित स्थिति अमात्र बोला। ओंकार वही ओंकार है, वही चतुर्थ उसका अर्थ कर दिया तुरीय, मतलब तीन में रहते हैं परंतु तीन से विलक्षण, लक्षण भिन्न है, है ना। अमात्र मतलब मात्रा दस्य नास्ति, ओंकार को मात्रा के द्वारा समझाया, वास्तविक मात्रा ओंकार में चतुर शब्द का तुर आदेश हो जाता है, तब छ प्रत्यय होकर फिर लिए मतलब तुरीय बनता है, चतुर शब्द का तुर आदेश हो जाता है, मतलब चतुर्थ सामान्य, परंतु यहाँ पे क्योंकि तीन अवस्था के सापेक्ष में इसको चतुर्थ रूप में कहा जा रहा है, परंतु वास्तविक ये तुरीय क्या है, तीनों के अंदर अनुश्चित है, क्योंकि इन तीनों से इसका लक्षण भिन्न है, बिल्कुल विलक्षण है। अमात्र मात्रा जस्य नास्ति सो अमात्र ओंकार चतुर्थ तुरीय, आत्मा व केवल ही शुद्ध आत्मा है, कुछ भी नहीं है। अभिधान अभिधेय रूप वाक मनुष्योर क्षीर्णत्वाद अव्यवहार्य, यहाँ पे अमात्रा चतुर्थ हो गया और वहाँ पे अव्यवहार शब्द आया हुआ है, क्यों किस चीज का व्यवहार कर सकते हैं, नाम और रूपात्मक कोई वस्तु उसी का व्यवहार होता है, किसी का नाम है कोई रूप है तो उसका व्यवहार होता है, कोई इस नामक वस्तु को लाओ अथवा इसको करो इसको रखो इसको इसको बोलते हैं, तो बोलते हैं बस केवल आत्मा ही है, केवल मतलब किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, तो शुद्ध है। अभिधान अभिधेय रूप, उस समय क्या हो गया, अभिधान मतलब हो गया बागेंद्रिय, ठीक है ना, अभिधान मतलब वाणी, वाणी से समस्त बागेंद्र, बागेंद्रिय से समस्त कर्मेंद्र, पहले ही बोल करके आए तो उपलक्षण है, और फिर अभिधेय हो गया नाम, है ना, अभिधेय हो गया नाम एक रूप, अभिधान हो गया नाम और अभिधेय हो गया रूप, ये रूप हो गया आपका क्या हो गया, इंद्रियों के विषय ज्ञानेन्द्रियों के विषय, संपूर्ण कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं होने के कारण सभी कैसे होता है, अभिधान अभिधेय अभिधेय रूपयोर बांग मनुष्योर, है ना, जो बांग और मन दोनों का अब क्या होता है क्षय हो जाता है, कुछ है अपने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों भी अलग कर दिए अपने स्वरूप में, फिर उसका जो है स्टार्ट होता नहीं, इसीलिए क्षीणत्वाद और व्यवहार जो मतलब अब क्या होता है नाम रूप से रहित होने के कारण वो व्यवहार के योग को, जिसके अंदर नाम रूप है वो व्यवहार के योग, जो नाम रूप से रहित है वो व्यवहार का नहीं होता है, वो अव्यवहार जो, जब शंका होते हैं कि अव्यवहार है तब तो वो होगा ही नहीं हो वस्तु, वो तो ऐसी बात नहीं है, समस्त नहीं होने का अधिष्ठान है, उसी को प्रकल्पित था सारा, इसलिए बोलते हैं कि अभिधान मतलब नाम, अभिधेय मतलब रूप, नाम नामी वाचक वाच्य, ठीक है ना, इस प्रकार से इन दोनों से रहित होने के कारण नाम रूपयोर अभिधान अभिधेयोर रूपयोर वांग मनुष्योर मतलब वाणी और मन के द्वारा समस्त कर्मेंद्र और ज्ञानेन्द्र को शील अथवा उसके अभिषय होने के कारण अव्यवहार्य, है ना, व्यवहार के विषय नहीं, क्यों फल तो क्या होता है प्रपंच उपशम, वहाँ पे आकर के समस्त विस्तार की समस्त सृष्टि जहाँ पे लय प्राप्त करते हैं, उपशम मतलब वहाँ पे लय प्राप्त करते हैं, यही सबसे कल्याणकारी करते हैं शिव मतलब पर समस्त कल्याणात्म, मतलब ये एकात्म बुद्धि कल्याणकारी है, भेद बुद्धि जो है हानिकारक है, ये फंडामेंटल सिद्धांत हमारे व्यावहारिक समाज में भी लागू होता है, जितना भेद दिखेंगे उतना टुकड़ा टुकड़ा होते जाएगा, जितना एकात्म देखेंगे उतना एकात्म होते हैं, इसलिए बोलते हैं शिव अद्वैत भेद रहित है समृद्ध, मतलब संभव रूप में उस चीज को प्राप्त कर गया वेद, एवं इस प्रकार से यथक्त विज्ञानवता प्रयुक्त ओंकार स्त्री मात्र त्रिपाद आत्मैव, इस प्रकार से यथक्त इस प्रकार उपासना करने वाले पाद और मात्रा को एक साथ मिला करके चिंतन करने वाले क्या स्थिति होती है, यथक्त विज्ञान बता मतलब इस प्रकार पाद और मात्रा को एक साथ मिला करके उपासना करने वाले व्यक्ति के द्वारा
प्रयुक्त ओंकार जो प्रयोग किया गया था ओंकार त्रिमात्र स्त्रीपाद वाला जो ओंकार है ओंकार त्रिमात्र त्रिमात्रिपाद वाला जो ओंकार है वो क्या है वही मेरा स्वरूप है आत्मा एवं वही मेरा स्वरूप है जो होता है शिव अद्वैत एवं ओंकार आत्मा एवं ये भाष्यकार नहीं बोल रहे हैं श्रुति बात को बोलना देखो शिव अद्वैत एवं ओंकार आत्मा एवं अब इसका फल कथन करते हैं संविशति आत्मना मतलब स्वेन एव सम पारमार्थिकम आत्मान अपने आप अब जो मैं अपने मैं कोई कहता है मैं कहते मैं कौन है मैं समीशर बना सबसे पहले कोई व्यक्ति दरवाजे आके खटखटाएगा तो पहले क्या बोलेगा कौन हो मैं अरे भाई मैं कौन हूँ तब वो बोलेगा मैं दूध वाला मैं गुबार वाला ये नहीं बोलेगा कि मैं असंगप हूँ भगवान भाष्य कर भी जब ये हमारे गुरु गोविंद पाद के पास गए थे ऐसे बाहर से मुझे कौन है बोलते इसी को जानने के लिए तो आया हूँ अंदर से समझ गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है इसी को जानने के लिए तो आया हूँ मुझे वहाँ से समझ कर आता है तो बोलता कौन है तो बोलता कि इसी को जानने के लिए तो आया हूँ आत्मना मतलब अपने द्वारा मतलब स्वयं एव लेकिन भगवान भाष्यकार अपने द्वारा ही स्वयं अपने आप को ये कौन सा स्वयं को पारमार्थिकम आत्मा ये उपाधिक आत्मा के द्वारा पारमार्थिक आत्मा को जानना इसीलिए उपाधि दिया है भगवान ठीक है ये समझना कि शरीर अनर्थक है अनर्थक हेतु होते हुए भी पारमार्थक भी हेतु होते हैं शरीर अनर्थ के हेतु होते भी परमार्थ के भी हेतु है आसक्ति है तो अनर्थ के हेतु कुर्सी है हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तो परमार्थ के लिए हेतु है कि नहीं एक ही वस्तु मैं बोला आपके यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे एक ही वस्तु है एक ही वस्तु एक ब्रह्म ही मुक्ति के हेतु वही ब्रह्म भी हमारा बंधन के हेतु ज्ञात और अज्ञात की भिन्नता से ठीक इसी प्रकार यही शरीर हमारे बंधन के हेतु आसक्ति है और इसी शरीर को यदि कुछ समझ करके हमें लक्ष्य में पहुँचना है इस प्रकार गाली समझ करके इसमें बैठ के चलते हैं तो हमारे लिए मुक्ति के लिए हेतु इसीलिए आप बोलते हैं कि संविशति आत्मना से नैव स्वयं पारमार्थिकम आत्मना अपने द्वारा अपने अपने पारमार्थिक स्वरूप को जान लेते हैं ज एवं वेद इस प्रकार जानते हैं परमार्थदर्शी परम तत्व को देखने वाला ब्रह्मविद है ना व्यापकता को समझने वाला तृतीय बीज भावम दग्ध्वा वो तृतीय अवस्था जो था अज्ञान रूपी बीज भाव है ना जो बीज अवस्था उसको जला करके क्योंकि यही होता है ज्ञानाग्नि सर्वकर्मणां भस्मीभूतम् तो क्या होता है अपने बीज भाव को जला करके उसको तभी उपयुक्त हो जाता आत्मानं प्रविष्ट इति न पुनर्जायते तो अपने बीज भाव को जला करके परिच्छिन्न आत्मा व्यापक आत्मा में प्रवेश कर जाता है ईश्वर तक की जो स्थिति है उसको जला करके आत्मानं प्रविष्ट अपने आप में प्रवेश हो जाता है इति न पुनर्जायता क्योंकि बीज भाव को जला करके प्रवेश हो रहा है इसलिए फिर दोबारा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सुषुप्ति काल में ब्रह्म के साथ एक होकर व्यक्त होते हैं फिर जब मृत्यु के बाद भी पहले परमात्मा के साथ एक होकर फिर अपने कर्म से विभाजन होता है परंतु एक व्यक्ति वापस आता है एक व्यक्ति वापस नहीं आता है एक अंत आता है एक सत्य विषंत है एक अनृत विषंत है ना इसीलिए आप ही बोलते हैं आत्मा न प्रविष्टि से न पुनर्जायते अकस्मात तुरीयस और बीजत्वा तुरियो में क्या है बीज नहीं तुरीयस और बीजत्वा नहीं रज्जु सर्पयोर विवेके रज्जु और सर्प का विवेक हो गया क्या विवेक हो गया रज्जु अधिष्ठान सामने मेरा आंख के तरह दिखाई दे रहा है और उसको जब मैं सर्प दिखाई दे रहा है तो सर्प मेरा दिमागी सर्प है दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते वहाँ पे कभी था ही नहीं सकता और हमें दिखाई दे भ्रांति के कारण है ना एक संस्कार के कारण इसलिए बोलते हैं आप दोनों का विवेक हो गया क्या विवेक हो गया सामने भरा हुआ कुछ वस्तु है और कुछ हमारे दिमाग में अभी संस्कार क्या हो गया अभी अधिष्ठान के बोल दिखाई इसलिए बोलते हैं रज्जु सर्पयोर विवेके रज्जु सर्प का विवेक हो जाने पर रज्जम प्रविष्ट सर्प अब सर्प कहाँ गया अधिष्ठान में गया बुद्धि संस्कार वहाँ के बुद्धि शुद्ध हो जाने के कारण पुनः फिर दोबारा पूर्ववत पहला जैसा तद विवेकी नाम उत्थास्यति विवेक पूर्वक से जानने उसके सामने फिर उसका उत्थान नहीं हो सकता सर्प नहीं आता फिर
अब बोलते हैं मंद मध्यम ध्यान को प्रतिपन्न साधक भावानाम सन्मार्ग गामिनाम सन्यासीनाम मात्रानाम प्रादानाम च क्लिप्त सामान्य विधाम तथावत उपासमान ओंकार ब्रह्म प्रतिपत्ते आलम्बनी भवति। ठीक है ना, पहले देखिए आप कंक्लूजन है ना, यहाँ पे पहले उत्तम अधिकारी के लिए क्या बोला था, अयमात्मा ब्रह्म, मध्यम अधिकारी क्या था, स्वयमात्मा चतुष्पाद, दो हो गया, फिर तेसरे में क्या बोला था, ओंकार रूपी आलम्बन को लेकर। देखो जैसा शुरू किए थे भगवान भास्कर भूले ने मैं क्या बोल कर ऐसी कुछ दो मंदम मध्यम भिया मंद और मध्यम भिया लिखा तू प्रतिपन्न साधन, ये देखिए सामान्य व्यक्ति नहीं है प्रतिपन्न, मैं साधन के द्वारा अब अपने को जानूंगा प्रतिपन्न साधक भावानाम, अब अपने को वो सामान्य व्यक्ति नहीं मानता, खाने पीने वाला मनुष्य मैं नहीं हूँ, इसी शरीर में मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना, ये भाव दृढ़ मन में बैठा साधक तो यह आया, ये प्रतिपन्न साधक भावानाम ये अधिकारी है, अधिकारित्व को दिखाया। सन्मार्ग गामिनाम और सत्मार्ग में चलने वाला, सत्य अनुसंधान में लगा हुआ है, सत्य के अनुसंधान में लगा हुआ गामिनाम कौन है, वो सन्यासी है ना, जो सन्यासी मतलब ये आपने समझना वस्त्र सन्यासी को लेकर सन्यासी नहीं बोलते हैं, है ना, आपको अंदर से भगवत की संसार से विरक्ति हो जाए और भगवत प्राप्ति की इच्छा जग जाए, वही हमारे लिए सन्यासी तो प्रधान से, इसलिए बोलते हैं सन्यासी नाम। और फिर क्या होता है, मात्रानाम पादानाम च क्लिप्त सामान्य विधा में, मात्रा और पादा में जो सामर्थ्य एक रूपता है उसको धीरे धीरे अभ्यास करते करते जान लिया, अकार उकार मकार के साथ जागृत स्वप्न चतुर्थी, मात्रानाम हो गया अकार उकार मकार, पादानाम हो गया आपका जागृत स्वप्न चतुर्थ, क्लिप्त सामान्य विधा इसमें जो सामान्यता को है उसको जानने में समर्थ हो गया, यथावत उपासमन कैसे हुआ, जैसे जैसे यहाँ पे उपासना के बारे में कथन किया वैसा करते हुए तब क्या हो गया, ओंकार ब्रह्म प्रतिपत्ति आलम्बनी भवति, इस प्रकार से ओंकार उस ब्रह्म की बोध में ब्रह्म प्रतिपत्ति में वो कहते हैं आलम्बन बन जाता है, आलम्बनी भवति तथा जो वक्ष्यति आगे अपने आप जो है मांडव को कार्य कर बोलेंगे आश्रमा त्रिविधाहीन। तीन का 16 नंबर देखिए, उत्तम मध्यम अधम, त्री का 16 पेज मैं नहीं बता पाऊंगा, 153 देखिए आश्रमास्त्रिविदाहीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टय उपासना उपदिष्टेयं तदर्थम अनुकंपया। हिंदू कहीं का कुछ होने वाले नहीं है कि श्रुति माता क्या करते हैं कि उत्तम अधिकारी के लिए तो बोल दिया, अब फिर भी ये उत्तम मध्यम अधिकारी उनके ले करके क्या करता है, श्रुति माता उनके प्रति अनुकंपा करके मतलब वो भी उद्धार हो जाए, इस ओंकार उपासना के बारे में कथन किया। मध्यम उत्कृष्ट दुष्ट है उसके बाद सन्यासी है, मतलब सन्यासी का अंदर मध्यम और मध्यम का बात कर रहे हैं, साधक का क्या, साधक के अंदर और सन्यासी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको क्या हो गया कि ये जगत के सत्यत्व बुद्धि संत गुरुवार को सुनते सुनते अब जो है ये जगत के प्रति सत्यत्व बुद्धि जागतिक वस्तु की इच्छा आकांक्षा नहीं रहे साधन तो उसका संपन्न नहीं जगह के लिए सन्यासी तो सम और नी सम और नी दो उपसर्ग है अस फोर्थ कंजुगेशन का धातु है सन्यासी प्रातिपदिक होते हैं और उसके बाद आपका प्रथम एक वचन सन्यासी बनते हैं सम्यक रूप से निश्चेषेना अष्टोत्तरो अर्थ में आता है और उसको त्याग करके सम्यक रूप से मतलब विचार पूर्वक निश्चेषेना हर वस्तु को त्याग करके जो जिसके ऊपर खड़ा है मतलब कुछ सारा चीज़ हमारा वासना हमारा अहंकार के ऊपर खड़ा है वासनाओं को तो छोड़ दिया परंतु वासना छोड़ने का अहंकार को नहीं छोड़ा वासना छोड़ने वैराग्य के अहंकार को नहीं छोड़ा निश्चेषण और किसको छोड़ा सब कुछ सब कुछ इसे क्या बोलते हैं सम्यक रूप से निश्चेषण अस धातु से फोर्थ कंजुगेशन तो फोर्थ कॉन्डिकेशन का था तो एक उत्थ्रो अर्थ में तो सम्यक रूप से फेंक कर जो बनता है उसको बोलते हैं सन्यासी, कल हमारे पास आता है सन्यास्य
संन्यास्य लभमात्र हर चीज को पूर्ण रूप से त्याग करते हैं। हम तो यहाँ पे तो साइकिल बजते लग जाते हैं, सरेट हो गया, अरे हाँ आठ मिनट से वो आज कौन सा बोलेंगे, द्वितीय सेकंड सेकंड है परम गुरु नमः पाद पादे नमस्ते।